डॉक्टर चौधरी गुलाम सरवर की तैयार करदा कार की नुमाइश में लाहौर चेंबर के मुतबादिल तवानाई कमेटी के चेयरमैन इंजीनियर मोहम्मद सईद इकबाल भट्टी समेत दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की और कार के मौजूद को उनकी कामयाब कोशिश पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर डॉक्टर चौधरी गुलाम सरवर ने सिटी 42 को बताया कि उन्होंने 6 साल की तहकीक के बाद ये कार तैयार की है जिसका 60% ईंधन पानी है। उन्होंने बताया कि कार की खसूसियत सिर्फ पानी से चलना ही नहीं बल्कि इसके सैलेंसर से कार्बन के बजाय ऑक्सीजन का इखराज होता है। अगर आप पानी को तोड़ सकने की हिम्मत रखते हैं तो वो गैसेज ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती हैं। तो उस पर हमने 6 साल रिसर्च की तो हमने इसका ये तोड़ निकाला है कि दिस कार कैन बी रन ऑन वाटर, बल्कि बसें चलाई जा सकती हैं, ट्रक चलाए जा सकते हैं। एक रिक्शा हम डिजाइन कर रहे हैं जो फ्यूल लेस होगा। जितने भी ये अपना मैरिज हॉल्स हैं उनकी बड़ी डिमांड रहती है, गवर्नमेंट के अदारे हैं उनको बड़ी डिमांड रहती है। आसान अल्फाज में कहा जाए तो पानी के कीमियाई फॉर्मूले से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलहदा कर लिया जाता है जिसकी बदौलत कार के सैलेंसर से कार्बन का इखराज नहीं होता। डॉक्टर चौधरी गुलाम सरवर ने बताया कि अगर बड़े पैमाने पर किट्स तैयार की जाएं तो एक किट 30,000 रुपए में दस्तियाब होगी जिससे 10 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। उनका कहना था कि कार पर तहकीक का अमल जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और आइंदा साल जून में इस कार को मुकम्मल तौर पर पानी से चलाया जा सकेगा। ये दिन 70 मुल्क ऐसे हैं जो एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहे हैं और मेरे ख्याल ये जो टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं या और जो 2-3 टेक्नोलॉजी जिस पे हम काम कर रहे हैं इससे फ्यूल के जो बोरान है वो खत्म हो सकते। लाहौर चेंबर के मुतबादिल तवानाई कमेटी के चेयरमैन इंजीनियर मोहम्मद सईद इकबाल भट्टी ने कार का मुआयना किया और जदीद तहकीक में कामयाबी पर डॉक्टर चौधरी गुलाम सरवर को मुबारकबाद पेश की। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के मौजूदा दौर में अगर डॉक्टर चौधरी गुलाम सरवर जैसे लोगों की हौसला अफजाई की जाए तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में तवानाई बहरान समेत मुख्तलिफ मुआशी बहरानों से निपटा जा सकता है। कैमरामैन जावेद मलिक के साथ अजहर अली खान, सिटी 42, लाहौर चेंबर।